ओके तो विशाल, इसी नोट पे हम एक छोटा सा सिर्फ आपसे सेगमेंट खेलेंगे। ये सेगमेंट में जो भी आपके खतरों के खिलाड़ी के दोस्त हैं, ठीक है, हम कुछ टैग्स बोलेंगे, आपको लगता है जो आपके दिल के लिए वो टैग्स जिसके लिए भी सूट करता है, आप बस उनका नाम बोलना। और बहुत ही सिंपल गेम है और बहुत ही स्वीट गेम है, ठीक है। तो आप जैसे कि हम सब जानते हैं, यू नो, 1-2 महीना केपटाउन में रहना और इतने सारे भारी भरकम स्टंट्स करना, आपका इमोशनल सपोर्ट कौन था, अगर एक शब्द में मैं आपसे पूछूं तो, जो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता था? वरुण ओके ओके कौन एक ऐसा कंटेस्टेंट है? जी, बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। यार, मैं आपको बताऊं, पता नहीं, मैं सही में मेरी लाइफ में ना कभी कोई एक ऐसा नहीं रहा है स्पेशल की, मतलब, या कोई एक ऐसी फेवरेट चीज कभी नहीं रही है मेरी। 3-4 लोग होते हैं हमेशा, मैं बोलता हूँ उस शो में ना मुझे बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है लोगों ने, बहुत। मतलब इमोशनल सपोर्ट का मतलब, वरुण तो था ही था ही, वो मतलब वो था ही। मुझे त्रिपाठी जी, अर्जुन, मतलब इन लोगों ने भी जो इमोशनल सपोर्ट दिया है ना, वो मैं मतलब बता नहीं सकता। मामा से तो मेरी एक अलग बॉन्ड ही है, तो मामा से तो मैं ऐसा होता था कि मैं, मुझे चाहिए अगर कुछ भी, मतलब मुझे थोड़ा भी पैम्पर चाहिए तो मैं चला जाता था श्रद्धा तिवारी के पास, मामा के पास। बट इन तीनों ने बहुत, लेकिन वरुण और मैं तो जी। अच्छा, कौन से कंटेस्टेंट था जब उन्होंने टास्क परफॉर्म किया तो लिटरली आप काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि किसी को इतना आइडिया नहीं था कि वो इतना अच्छा परफॉर्म यू नो कर सकते हैं। तो कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसने आपके एक्सपेक्टेशंस को सरपास किया? दिव्यांका त्रिपाठी, ओके ओके आपका बेस्ट अनुष्का, बडी अनुष्का? ओके ओके अगर किसी एक को चुनना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, इन खतरों के खिलाड़ी के फैमिली को, लाइक आपका यार है, तो वो कौन होगा? यार बहुत टफ है ये। ठीक है, 2-3 बोल लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, जो आपका, आप जिसे यार अर्जुन, बोल सकते हो। लड़कों में अर्जुन और क्या बोलता हूं मैं, वरुण, ऑब्वियसली वरुण और अर्जुन लड़कों में जी, ओके बहुत करीब हैं ओके लोग। ओके आपके गैंग का 24/7 एंटरटेनर कौन था? सना ने तो आपका नाम लिया जब हमने ये सेगमेंट खेला, लेकिन आपके हिसाब से कौन था 24/7 एंटरटेनर? मेरे हिसाब से यार अर्जुन भाई, वो बहुत विटी हैं, बहुत फनी हैं, वो अलग लेवल पे हैं, वो सैल्यूट है उनको। मतलब वो जी आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर यार गजब आदमी है, वो जी गजब। जी एक ऐसा स्टंट विशाल जो आपने वो टाइम पे परफॉर्म किया, आप आई नो आप ज्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे, बट एक ऐसा स्टंट जो बहुत ही मुश्किल था बट इवेंचुअली आपने पूरा किया, तो वो मोमेंट या वो स्टंट कैसा था, अगर कुछ भी बता सके तो? मैं बस एक ही बताऊंगा कि मुझे पानी का डर है, और एक शो में मैंने पानी का स्टंट किया है जिसको देख के लोग बोलेंगे कैसे कर दिया तुम, ओके 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 और अंडर अच्छा वाटर स्टंट बोलते हैं। ओके ओके आपके हिसाब से आपका टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था? 3 लोग, एक ऐसा, ये शो ही नहीं है ना कि कोई एक मान सकते आप, क्योंकि इस अच्छा। बार कॉम्पिटिटर ऐसे थे ना कि वो एक अगर कोई खराब करता था तो दूसरी बार वही इंसान कुछ ऐसा कर जाता तो लोग बोलते थे वाह। तो इस बार ऐसे लोग आए हुए थे वहां पे, तो मेरे हिसाब से 3 कंटेंडर जो मेरे लिए बहुत टफेस्ट थे, वरुण, अर्जुन, दिव्यांका त्रिपाठी ओके ओके जी। जी। अच्छा, रोहित सर से सबसे ज्यादा डांट किसको पड़ी, या रोहित सर से ने सबसे ज्यादा टांग किसकी खींची है? रोहित सर सबकी टांग खींचते हैं यार, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर वो मान लो मेरी टांग खींच रहे हैं, ठीक है, और गलती से कोई हंस रहा है बहुत ज्यादा, तो सर अब उसकी जी टांग खींच रहे हैं। तो रोहित सर भी बहुत विटी हैं, वो एकदम मतलब फट 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 फट, उनके पास ऐसा लगता है कि रेडी होता है सब मटेरियल, वो जी बस दुआ, बस उनके रडार में आए तुम पे चला जाएगा। और राइट डांट ऐसा, रोहित सर ना डांटते नहीं है, रोहित सर जब आप पूरा शो देखोगे ना तो वो डांट नहीं होती है, वो ये होता है कि अगर आप एक ट्यूशन, एक आप टीचर के पास पढ़ने जाते हो, ठीक है, वो आपके जी ऊपर पूरे 6 महीने 1 साल मेहनत करता है, फिर भी अगर आप पास नहीं होते हो, फेल की मतलब फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन की बात मत करो, और उस पास होने पे अगर आपको रिग्रेट भी नहीं है या कुछ ऐसा, तब जाके उनको उनको बुरा लगता है, आप समझ रहे हो, वो तब डांटते, वो ऐसे बिल्कुल नहीं डांटते। अच्छा, अगर आपको एक दिन चूज करना हो, जितना भी टाइम आप केपटाउन में बता के आए हैं, जो आपका सबसे मेमोरेबल दिन था, आप उस दिन को कभी नहीं भूल सकते, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट अगर वो एक ऐसा दिन होगा तो आपके लिए क्या होगा?
मेरा मेमोरेबल डे होगा लास्ट डे हमारा, क्योंकि लास्ट डे ना जब हम लोग खत्म हुआ शूट तो हम पूरी यूनिट से मिल पाए, तो बायो बबल से निकल के हम सबको, मतलब समझ रहे हो आप, लास्ट डे से मिल रहे थे, पूरी स्टंट टीम से मिल रहे थे हम, पूरी प्रोडक्शन टीम से मिले हम, और हम सब एक दूसरे का नाम जानते थे उस दिन तक। और वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता हूँ यार आपको, आपको कैसे बताऊं मैं कि आप किसी बाहर की कंट्री में हो, आप एक शो कर रहे हो 2 महीने तक, आपके घर के कोई लोग नहीं है, आपके अगल बगल इंडिया के कोई लोग नहीं है चेयर करने वाले, बहुत 10 लोग होंगे 20 लोग होंगे, वो जी पूरी टीम चीयर करती थी हम लोगों को, वो पूरी टीम हमें बोलती थी यार कि तुम लोग अच्छा कर रहे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कर सकते हो, जी मतलब वो बहुत मजा आया था लास्ट ओके जो, या वो ओके ओके मेमोरेबल ओके रहेगा मेरे ध्यान में। आखिरी कुछ सवाल, सबसे ज्यादा कौन एक ऐसा इंसान है जो सबको लेके बहुत ही प्रोटेक्टिव था, कि खाना किसी ने खाया, किसी को चोट तो नहीं लगी, जो एक क्वालिटी हमेशा की उस इंसान में रहती, तो वो कौन था आपके ग्रुप का? देखिए हमारे ग्रुप में जो 3 सीनियर थे ना वो बड़े अच्छे लोग थे, मतलब अर्जुन भाई और मामा और त्रिपाठी जी, तो ये लोग ख्याल रखते थे यार सबका। और मैंने बोला ना कि वहां पे ऐसा था कि इस बार का माहौल बहुत अलग था, कोई ऐसा था ही नहीं, मतलब अगर किसी को कुछ भी हो रहा है तो सब खड़े हैं, बट ये लोग मतलब करते थे, इवन दो वरुण वरुण भी ख्याल रखता था। जी। अच्छा विशाल, एक बात बताइए, जब आपको पता चला था कि इतने सारे हम लोग हैं दिव्यांग, आपने नाम तो ऑफकोर्स आपको एट द एंड ऑफ द डे पता चला होगा, कौन से कैसे कंटेस्टेंट थे जिसके मिलने के लिए आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे, या फिर आपको देखना था कि ओके मेरा बॉन्ड इनसे कैसा होगा शो में मिलके, तो वो कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट जिसका नाम बताना चाहेंगे? मैं पूरे शो में सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि क्या होता है ना, जब ऐसा एक रियलिटी शो होता है ना तो वहां पे ना इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। और इस शो में मैं तिवारी जी को ही पहले से जानता था सिर्फ, और एक सौरभ को भी हमने एक रियलिटी शो हाँ किया था, तो जी और ऐसा भी नहीं था कि हम बहुत, हमारी दोस्ती थी वहां पे, हम एक मतलब साथ में काम कर रहे थे अच्छे, तिवारी जी को ही जानता था, और तिवारी जी का एक्चुअली पता था कि वो आने वाली है यहाँ पे, वो तो लास्ट से पता चला सबको हम लोग को, तो मतलब सबको देख के ही ऐसा था कि यार सबको देखने के मतलब मुझे था कि यार एक्साइटमेंट ये थी कि यार इनके साथ कॉम्पिटिशन करना है, ठीक है ना। मैं पहले इसी मूड में गया, मैं इस मूड में गया ही नहीं था कि मैं एंजॉय क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मैं सही बताता हूँ, मैं पहले अच्छा पहले पहले तो इसलिए गया था कि मैं देखता हूँ कौन है कॉम्पिटिशन, किससे जीतना है, हाँ पता तो सबके बारे में होता है कि ये है, हाँ लेकिन जब आप रियल में मिलते हो तो आपको पता चलता है कि यार रियल में मिले हो तो आदमी कैसा है, या फिर ये इंसान कैसी है, या ऐसा सबसे सबसे। जी। ओके और आखिरी सवाल मेरा ये है, कौन उस ग्रुप का वो इंसान था जिससे सबकी बहुत पैम्परिंग मिलती थी, वो कौन है, कैसा बंदा जिसे हर कोई प्यार करता था, ख्याल रखता था, अगर वो एक इंसान का नाम बताना चाहेंगे? अब मैं और वरुण सबसे ज्यादा ख्याल रखते थे अनुष्का का, और उसके अलावा सबसे ज्यादा मेरा ख्याल रखते थे अर्जुन अच्छा सब लोग मिलके, भाई अच्छा भी। हाँ मुझे ऐसा लगता है, हाँ अच्छा ओके तो मैं खुद को ही ओके बोलूंगा ना, मैं क्यों बोलूँ दूसरे को। ओके विशाल, ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू के लिए। विशाल, आप अपने फैंस को या फिर ग्लिट्स विजन के व्यूवर्स को कुछ भी मैसेज देना चाहें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके या खतरों को लेके, तो क्या होगा वो? मैं तो अपने फैंस को बस, और ग्लिट्स विजन के भी जितने भी व्यूअर्स, सबको यही कहूंगा कि यार बहुत मेहनत की है सब लोगों ने, बहुत मजा आया ये शो करके, सच में बहुत मजा आया ये शो करके, आप लोगों को भी प्रोमोस देख के मजा आ ही रहा होगा, एंड ट्रस्ट में उतना ही मजा आएगा आप लोग जब ये शो देखोगे, क्योंकि तो बहुत ही खूबसूरत जगह है केप टाउन, और इतनी खूबसूरत जगह पे शो करने का जो मजा है ना, क्योंकि आप जब देखोगे तो पता चलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज देखो इसको, बस जी इतना कहूंगा। जी डेफिनेटली विशाल, एंड ऑल द बेस्ट, एंड आई रियली होप कि ये जो शो है इससे लोग आपको वैसे भी बहुत प्यार करते बट और ज्यादा प्यार करने लगे, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, थैंक थैंक यू सो यू, मच, थैंक यू थैंक यू सो मच। सो मच, बाय। हाय आई एम विशाल आदित्य सिंह एंड यू गाइज आर वॉचिंग योर ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू।